ऐसी आप कल्पना कीजिए कि आपको किसी प्रकार पता चल गया कि यीशु 2 दिन के अंदर वापस आने वाले हैं। इन 2 डेज टाइम जीसस इज कमिंग बैक अगेन। बिल्कुल करेक्ट डेट और टाइम आपको 100% पता चल गया है। और अगर ये बात सच है तो आप ये न्यूज पाते ही अपने जीवन में क्या कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लग रहा है अरे अरे ये करना है, ये छोड़ गया, इसको करना है, यीशु के आने के पहले ऐसा कोई भी कार्य रख छोड़ा है, इसका मतलब यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपके जीवन में ऐसी अभी भी बातें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। यीशु के दृष्टांतों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जिस दृष्टांत का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तोड़ों का दृष्टांत, द पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय का 14 से लेकर 30 में हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं। इस दृष्टांत में यीशु इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के समान है जो परदेश की ओर जा रहा था और जाने से पहले वह अपने दासों को बुलाकर उनके हाथ अपनी संपत्ति देता है। पहले दास को बुलाकर वो 5 तोड़े उसको देता है और दूसरे को 2 तोड़ा और तीसरे को 1 तोड़ा। हर व्यक्ति को उसके सामर्थ के अनुसार वह स्वामी तोड़े देकर दूर देश की ओर चला जाता है। और स्वामी के जाते ही वह दास जिसको 5 तोड़े दिए गए थे वह तुरंत ही जाकर लेन देन करना शुरू करता है और व्यापार के द्वारा 5 और तोड़े अर्जित करता है। और उसी प्रकार वह 2 तोड़ा पाया व्यक्ति वह भी लेन देन करके 2 और तोड़े अर्जित करता है। लेकिन वो 1 तोड़ा पाया हुआ दास उस तोड़े को लेकर उसे पृथ्वी में गाड़ देता है और कुछ समय के पश्चात वो स्वामी लौट कर आता है। लौट आते ही वह अपने दासों को हिसाब किताब के लिए बुलाता है। तब 5 तोड़ा पाया हुआ व्यक्ति वह बहुत प्रसन्नता के साथ स्वामी से कहता है, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और जोड़कर 10 तोड़े बनाए हैं। और यह सुनकर स्वामी बहुत खुश होते हैं, उसे सराहते हैं और कहते हैं, धन्य है तू अच्छा और विश्वास योगी दास, तू थोड़ी बातों में विश्वास योगी था, मैं तुझे अधिक का अधिकारी बनाऊंगा। और उसी प्रकार 2 तोड़े जिस दास को मिले थे वो भी बहुत खुशी से मालिक के पास आकर उन्हें वो तोड़े देकर कहता है, आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मैंने उसको 4 तोड़े बना दिए हैं। लेकिन ये तीसरा दास उस तोड़े को लेकर आता है और स्वामी से कहता है, आप एक कठिन व्यक्ति हो, जहाँ नहीं छीटते हो वहाँ से बटोरते हो, इसलिए मैंने आपके इस तोड़े को दफन कर दिया था। और यह सुनकर मालिक को बहुत क्रोध आता है और वो कहता है कि तूने मेरे इस तोड़े को फरसों के पास क्यों नहीं रख दिया, अगर तू ऐसा करता तो मैं ब्याज सहित अपने पैसे को कम से कम प्राप्त कर सकता था। और उसके इस दुष्टता के कारण उस निकम्मे दास को मालिक वहां अंधकार में डाल देने की आज्ञा देता है जहां रोना और दांत पीसना हो। अब इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, ये बहुत ही बारीकी से हमें समझना और सीखना चाहिए। जब हमने उद्धार पाया था तो हम स्वर्ग के अधिकारी उसी दिन से हो जाते हैं, तो परमेश्वर ने क्यों हमें उसी दिन इस संसार से नहीं उठा लिया? क्या आपने सोचा है कभी कि आपका उद्धार कितने वर्षों पहले हुआ था? जिस दिन आपने उद्धार पाया उसी दिन परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में क्यों नहीं उठा लिया, क्यों इस संसार में आपको रख छोड़ा, उसका कारण क्या था? परमेश्वर उसी दिन अगर आपको उठा लेते तो आप और यीशु बहुत ही खुशी के साथ स्वर्ग में एक साथ वास कर सकते थे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको संसार में अभी भी रख छोड़ा है तो उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है और वही हम आज के इस दृष्टांत से सीखने जा रहे हैं। एक बात तो व्यक्त है कि हम अपने अच्छे भले कार्यों से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह यह है कि हम यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य पर हम विश्वास करें। हमारी शक्ति से, हमारे भले कामों से, अच्छे जीवन से हम उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन उद्धार पाने के पश्चात क्या, What are we to do after we get saved? उसके पश्चात परमेश्वर का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन के विषय में एफेसियों की पुस्तक 2:10 में लिखा गया है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में
उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे लिए, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने पहले से ही प्लान किया है। परमेश्वर की योजना में है कि हम उद्धार पाने के पश्चात हम फालतू नहीं बैठे रहें, बल्कि वे भले कार्य करें जो परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित करके रखा था। बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं कि एक तोड़ा, एक टैलेंट, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है, पैसे का एक बहुत बड़ा मोल है। वो लगभग इस प्रकार कहा जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू $1 million, 10 लाख रुपए से भी अधिक। इसलिए जब हम कहते हैं कि अरे एक को तो 5 दिया और दूसरे को तो 2 दिया और एक व्यक्ति को एक ही दिया, इसलिए उसने कार्य नहीं किया, लेकिन जिसको एक मिला वो भी एक छोटा अमाउंट नहीं था, वो एक कम संख्या नहीं थी। 10 लाख से अधिक डॉलर उसको दिए गए थे और उसको उसका उपयोग करना चाहिए था। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार दिया गया। आप ऐसी एक कल्पना कीजिए, विदेश से आपके एक चाचा आए हैं और उन्होंने आपके लिए और आपके छोटे से बेटे के लिए गिफ्ट्स देने का निश्चय किया। आपके छोटे बेटे के लिए एक टॉय कार और आपके लिए बिल्कुल एक नई स्विफ्ट कार खरीद के दे रहे हैं। तो वो जो स्विफ्ट कार जो रोड पे चलाई जाएगी वो पिता को दिया गया, और जो छोटी खिलौने वाली गाड़ी है वो छोटे बच्चे को दिया जाएगा। क्यों हम ऐसा करते हैं? छोटे बच्चे को वो स्विफ्ट कार क्यों नहीं देते रोड पे चलाने वाली? क्योंकि उसको वो चलाना आता नहीं है, उसको वो क्षमता नहीं है। यहाँ पर इस दृष्टांत में इन 3 व्यक्तियों की क्षमता को देखकर स्वामी ने उस अनुसार उनको वो तोड़े दिए थे, और हर व्यक्ति से उस स्वामी की अपेक्षा थी कि वह उसका उपयोग करे। लगभग इसी से मिलता जुलता एक वचन हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 12:7 में पढ़ते हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को इस विषय में समझा रहे हैं। आइए हम उस वचन को पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 12:7, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा के प्रकाश दिया गया है। इस वचन में पौलुस क्या कह रहे हैं? हर एक को, हर एक मतलब हर एक विश्वासी को कुछ न कुछ गिफ्ट, प्रतिभाएं, आत्मिक वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। बहुत बार हम उसके विषय में अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन इस दृष्टांत से एक बात बहुत व्यक्त है, हर व्यक्ति के लिए, हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने कुछ न कुछ वरदान, कुछ न कुछ तोड़ा उसके लिए रख छोड़ा है। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको दूसरों से सुसमाचार सुनाने का एक गिफ्ट दिया हो, कुछ लोगों को अतिथि सत्कार का एक गिफ्ट हो, कुछ लोगों को सेवकाई करने का, कुछ लोगों को लिखने का, कुछ लोगों को आराधना में लीड करने का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का, कुछ लोगों को दान धर्म करने का, कुछ लोगों को सेवकाई करने का, गरीबों की सहायता करने का। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग प्रेरणाएं होती हैं। इसी दृष्टांत के आधार में अगर बाइबल के अलग अलग पात्रों के विषय में हम पढ़ें तो हम इसकी परिपूर्णता देखते हैं। उदाहरण के लिए नए नियम में हम पौलुस प्रेरित के जीवन में देखते हैं, जब उन्होंने उद्धार पाया उस समय से उस व्यक्ति जिसने 5 तोड़े पाए थे उसी प्रकार तुरंत ही उसने लेन देन करनी शुरू की। वह दूसरे लोगों से दमिश्क के प्रदेशों में जाकर अपनी गवाही बताने लगा, यरूशलेम में और अलग अलग जगहों में, और धीरे धीरे आत्मिक रीति से उसकी बढ़त हुई और यीशु के लिए सबसे अधिक दौड़ने वाला प्रेरित पौलुस बना। उन्होंने अनेक कलीसियाओं को स्थापित किया, अनेक बार वो बंदी गृह में डाल दिए गए और यीशु के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया। 5 तोड़े पाए उस व्यक्ति ने जिस प्रकार 5 और तोड़े इकट्ठा किए, ऐसा ही एक जीवन पौलुस प्रेरित का है। लेकिन हम सोचेंगे कि यह सिर्फ आत्मिक मंडल में काम करता है तो हमारा सोचना गलत है। पुराने नियम में अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें तो यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पोतीफर और फिरौन दोनों के लिए ही भंडारी का कार्य किया, और बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ उसने वो कार्य किया। वह एक एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने उस पूरे मिस्र के राज्य का कार्य इतनी अधिक विश्वास योग्यता से किया कि उसने ना सिर्फ अकाल के उस दिनों की कठिनाई में से मिस्र के देश को बचाया, बल्कि ऐसा लिखा गया है पूरे विश्व को बचाने में यूसुफ का एक योगदान था।
उसने बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ अपना कार्य किया और जैसे 5 तोड़े वाले व्यक्ति ने 5 और बना दिए, उसका एक उदाहरण है। अगर हम नीति वचन की पुस्तक 31वां अध्याय पढ़ें तो वहां पर उस भली पत्नी के विषय में, वर्चुअस वुमन के बारे में लिखा गया है। वो सुबह से शाम तक अपने घर के लिए और बाहर का कार्य इतनी निपुणता से करती है। इन तीनों व्यक्तियों के जीवन में हम क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल भी आलसी नहीं थे। उनके हाथ में जो जो कार्य उनको मिलता था, बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, डिलिजेंस के साथ वो अपना कार्य करते थे। और ये वो गुण हैं जो परमेश्वर को बहुत ही पसंद है और उनके हृदय को जीतते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मरकुस और लूका, उन्होंने ये जो सुसमाचार हमारे लिए लिख छोड़ा, आज भी हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि यह उनका कार्य था। उसी प्रकार बाइबल में हम तबीता के विषय में पढ़ते हैं। तबीता एक विश्वासी थी और उसको एक ही हुनर आता था, वो था कपड़े सिलना। वो अपने हाथ से कपड़े सिलकर विधवाओं को और गरीबों को देती थी और यह एक समय में उसके जलाए जाने का भी कारण बना। उसी प्रकार ओनेसिफोरस के बारे में कहा गया है, वह प्रेरितों के मन को तरोताजा करने वाला एक व्यक्ति था, उसकी मिनिस्ट्री ऐसी थी। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं हेमन के बारे में, असाफ के बारे में, वह आराधना में निपुणता दिखाते थे। उनका जो गिफ्ट था, जो कॉलिंग था, उसमें वो लोग आगे बढ़ते थे। एपाफ्रोडिटस नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जो फिलिपी कलीसिया का एक भाग था। वो प्रार्थना में जागृत होता था और प्रार्थना में अपनी कलीसिया को पकड़े हुए एक व्यक्ति था। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बुलाहट, अलग अलग तोड़ा, लेकिन सब ने परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग किया। लेकिन वो व्यक्ति जिसको सिर्फ एक तोड़ा मिला, उसने उसका उपयोग नहीं किया। वह एक आलसी और दुष्ट दास के रूप में कहा गया है। परमेश्वर के राज्य के कार्य में हाथ ना बटाने वाला व्यक्ति उस एक तोड़े वाले दास के समान है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम नहमिया की पुस्तक में देखते हैं। नहमिया की पुस्तक में यरूशलेम की शहरपना को वो लोग पुनः निर्मित करने का कार्य कर रहे हैं और अलग अलग व्यक्ति उस कार्य में सहायता करते हैं। लेकिन तेकोआ के कुछ प्रभुओं के विषय में इस प्रकार वचन में लिखा गया है, नहमिया 3:5, और इनके आगे तेकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपने गर्दन पर नहीं लिया। तेकोआ के रईसों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए अपनी गर्दन नहीं रखाई और परमेश्वर ने उसको नोट किया है। परमेश्वर देखते हैं कौन मेरे लिए कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, संडे चर्च आते हैं और वहाँ आते हैं, कुर्सियाँ गर्म करते हैं और चले जाते हैं। वो वहाँ वचन सुनने के लिए आए हैं, आराधना करने के लिए आए हैं और उसी से उनका मन भर जाता है, लेकिन वो सिर्फ प्राप्त करने वाले बने रहते हैं, वो देने वाले करने वाले नहीं बनते हैं। यूहन्ना 3:16 अगर हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जब हम प्रेम करते हैं तो हम देने वाले व्यक्ति बनते हैं। जब हम कलीसिया में आए तो सिर्फ प्राप्त करने वाले व्यक्ति ना बने बल्कि देने वाले व्यक्ति भी बने। देना मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, अपना समय देना भी एक प्रकार का देना होता है। एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, वो भी देने का एक भाग होता है। और यह परमेश्वर की अपेक्षा होती है कि हर विश्वासी को सौंपे गए कार्य बहुत ही उत्साह के साथ करे। रोमियो की पुस्तक 12:6-8 में हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से और अगुवाई करने वाला उत्साह से और दया करने वाला हर्ष से। सो यहाँ पर अलग अलग वरदानों के बारे में लिखा गया है और हर व्यक्ति को उसका उपयोग करना है। एफेसियों 4:11 में 5 प्रकार के 5-fold ministries के विषय में कहा गया है, प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, पासवान और सुसमाचार सुनाने वाले। इन लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? ताकि वो विश्वासियों को ट्रेन करे
कि वो परमेश्वर का राज्य का कार्य कर पाए। एफेसियों 4 का 12 हम पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह के देह की उन्नति के लिए हर विश्वासी को कुछ न कुछ कार्य करना है, यह परमेश्वर की अपेक्षा है और यही बात इस दृष्टांत से हमें सिखाई जाती है। अगर आप उस व्यक्ति की तरह बने जो कह रहा है मेरे पास तो एक ही तोड़ा है, अब इससे क्या फायदा, इसको मैं गाड़ कर रख दूं, तो वो दिन आएगा जब स्वामी लौट कर आएगा और उस दिन जब आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर को आपके विषय में कहना पड़े, हे दुष्ट और आलसी दास। कभी हमारे कानों में ऐसी श्रुति ना हो। बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे परमेश्वर ने किस बात के लिए बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा ही रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारी मनोवृत्ति ये होनी चाहिए कि जो कार्य हमें सौंपा गया है हम उसे बहुत ही विश्वास योग्यता से करें, और जब हम उसको करते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी बुलाहट की ओर बढ़ जाते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण हम जॉयस मेयर के जीवन में देख सकते हैं। जॉयस मेयर इस प्रकार कहती हैं, जब वो पहले पहले उनने उद्धार पाया था, उनके हृदय में सबसे पहले ये इच्छा जागी थी, जिस यीशु ने मेरा उद्धार किया है, मुझसे इतना प्रेम किया है, मैं उनके लिए अपना जीवन पूरा देना चाहती हूँ, उनके लिए सेवकाई करना चाहती हूँ। और सबसे पहले जब वो अपने चर्च में आई तो उन्होंने अपने पासवान से पूछा, मैं क्या करूँ परमेश्वर के राज्य के लिए। पासवान ने उनसे कहा कि आप चर्च ऑफिस में आकर हेल्प कर सकती हैं, और जैसा पासवान ने कहा था वो आई और ऑफिस में कुछ दिनों तक बैठी, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें वो कार्य जच नहीं रहा था। तो उन्होंने पासवान से कहा, आप मुझे कहीं और किसी कार्य के लिए लगाइए। तब पासवान ने उनसे कहा, एक काम कीजिए, चर्च के नर्सरी में छोटे बच्चों की आप देख रेख कर सकते हैं, वहाँ आप सहायता कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पर भी जाकर करने पर भी उन्हें वो तृप्ति नहीं प्राप्त हो रही थी, वो वहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी। फिर भी उन्होंने निराश न होकर पासवान से कहा कि क्या आप मुझे कोई और बात बता सकते हैं। तब पासवान ने कहा, एक काम कीजिए, आप सेल ग्रुप में पढ़ाना शुरू कीजिए, बाइबल अध्ययन करवाना शुरू कीजिए। और जब उन्होंने वो कार्य किया तो उन्हें बहुत ही अधिक आनंद उसमें प्राप्त हुआ और वो समझ गई कि ये है मेरी बुलाहट। अब आप सोचिए, अगर वो वहीं चर्च में बैठी रहती तो वहीं कुर्सियां गर्म करती, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी बुलाहट को, अपनी प्रतिभाओं को ढूंढने की कोशिश की, अलग अलग कार्यों में उन्होंने परमेश्वर के हित को पूछने की कोशिश की, इसलिए आज वो वर्ल्ड फेमस बाइबल टीचर के रूप में जानी जाती हैं। अनेक लोगों के लिए पूरे दुनिया में वो एक अनुग्रह का कारण बनी, और ये बात हमें बहुत अधिक प्रेरित करनी चाहिए। ये तोड़ों का दृष्टांत इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं कि अंत के दिनों में जब यीशु लौट कर आएंगे तब हम लज्जित ना हो, हम निराश ना हो। और अंत में मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। उस स्वामी ने इस आलसी दास से कहा, तूने इस पैसे को क्यों गाड़ दिया, तूने क्यों उस पैसे को जाकर फरसियों के पास नहीं रखा, अगर तू ऐसा करता तो ब्याज समेत मुझे वो पैसा वापस मिल जाता। ये फर्सी लोग क्या दिखाते हैं, या ये बैंक क्या दिखाता है? बैंक का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहां हम जाकर हमारे धन को डिपॉजिट करते हैं, निक्षिप्त करते हैं, और बैंक के लोग उस पैसे को लेकर उससे बिजनेस करके वहां से मिलने वाला फायदा हमें लाकर देते हैं। तो हम काम नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले उसका काम कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं और हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर मालिक उससे क्या बताना चाह रहे थे, अगर तुम्हें मेहनत नहीं करनी थी या तुम नहीं कर पा रहे थे तो तुम कम से कम ऐसे लोगों के हाथ में ले जाकर उस चीज को देते ताकि कोई और उसे कर देता। इसका अर्थ क्या होता है? उदाहरण के लिए, आप सुसमाचार सुनाना आपको नहीं आता, प्रचार करना नहीं आता, मिनिस्ट्री करना नहीं आता, लेकिन आपके पास धन है, आप उस धन को एक विश्वासी को दे सकते हैं या एक मिशनरी को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि आप तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार आगे फैले, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो लेकिन कम से कम उस धन का उपयोग करके परमेश्वर के राज्य की व्याप्ति के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। उस आलसी दास के तरह उस तोड़े को गाड़ कर रखना कदापि परमेश्वर को पसंद नहीं। किसी न किसी रीति से हर विश्वासी को परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए एक्टिव होना है, और यही बात
इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें सिखाना चाह रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, यीशु ने जो हमारे लिए किया उसके लिए अपना कृतज्ञता दिखाने के लिए, हम यीशु से कितना प्रेम करते हैं उसके लिए हम वो कार्य करें, ये परमेश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।